हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मेरी कहानी मेरी जुबानी में। आज के हमारे गेस्ट हैं अंकुश खोड़े। अंकुश ने अपने ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, चाहे बचपन में अपने खिलौने हो या कॉलेज में अपनी पढ़ाई। उनके कोचिंग क्लास का एक ही प्रिंसिपल है कि कोई भी स्टूडेंट फीस के कारण कोचिंग बीच में ना छोड़े। तो देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी अंकुश के साथ। वेलकम टू माय चैनल अंकुश, आपको ये क्यों लगा कि आपको प्रोफेसरशिप ही करनी है या यही आपको करियर बनाना है? एक्चुअली इसकी शुरुआत यहाँ से 10-12 साल पहले होती है। ओके। जब मैं 11-12 में ट्यूशंस जाता था तो शुरुआत में हमने ट्यूशंस लगाई, चार सब्जेक्ट के, चार अलग अलग जगह पे, और अच्छे टीचर्स से शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट फीस का जो समय आता है, ओके, तो उनका जो समय था उस प्रॉपर समय पर फीस दे पाना हमारे घर से पॉसिबल नहीं हुआ। एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जो रिस्पेक्टिव टीचर जो समय देते थे कि विद इन दिस वीक आप फीस ला के दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ कि उनको उस समय में फीस ला के दे दिया जाए। तो इवन मैं घर पे बता भी नहीं पाता था कि मुझे फीस मांगिए करके, क्योंकि मैं घर पे भी बता के क्या करूँ, क्योंकि घर पे भी पैसे नहीं थे देने के लिए भी। और वो सब मैं देखता था, और वो देखने के बाद ऐसा हिम्मत भी नहीं होती थी कि घर पे मैं पेरेंट्स को बोलूं कि मतलब मुझे फीस देना है, मुझे फीस देना है, आप पैसे दीजिए। वो उस टाइप का मेरा नेचर नहीं था कि घर पे देखने के बाद भी घर वालों को तकलीफ दिया जाए। तो मैं वो खुद के साथ ही रखता था, वो चीज़ दिमाग में रखता था कि फीस मांगिए लेकिन अवॉइड करूँगा, एक दिन नहीं दूंगा, दो दिन नहीं दूंगा, जाके देखता था, टीचर से रिक्वेस्ट करता था कि मैं दूंगा दूंगा। डुबाने वालों में से तो हम नहीं थे, लेकिन जो सामने वाले टीचर्स थे उन्होंने हमें ट्यूशन से निकाल दिया, मुझे ट्यूशन छोड़ना पड़ा। पहले एक ट्यूशन छोड़नी पड़ी, फिर दूसरी ट्यूशन छोड़नी पड़ी, फिर ऐसे करके चारों ट्यूशन छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो स्टडी किया वो सेल्फ स्टडी ही करना पड़ा। सेल्फ स्टडी मतलब तुम खुद किताबें लेके उसको पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट को समझते थे? हाँ, जिनके भी जो अच्छे टीचर्स थे उनके मैंने नोट्स कलेक्ट किए, दोस्तों से मांगी, जो भी हमारे एरिया के टीचर्स थे उनके पास से हमने नोट्स कलेक्ट किए, और फिर वही नोट्स घर पर ला के डेली उसको रटना, स्टडी करना, उसमें से कंसेप्ट क्लियर करना। उसमें समय काफ़ी ज़्यादा था, राइट, क्योंकि कैसे है ना, जब कोई टीचर हमको गाइड करता है तो वो समय बचता है मैक्सिमम टाइम। टीचर उनके जो कंसेप्ट रहते हैं वो इजी लैंग्वेज में हम तक पहुँचाते हैं, बट जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तब हम अपना दिमाग लगाते हैं, उसमें मैक्सिमम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको पता ही नहीं होती, राइट, तो वो सब पढ़ते पढ़ते हमारा काफ़ी समय उसमें चला जाता है। तो उसमें समय काफ़ी गया और उसका फिर इम्पैक्ट रिजल्ट पे आता, राइट, करेक्ट। रिजल्ट तो अच्छा आया लेकिन समय लगा, काफ़ी समय गया स्टडी करने में। ओके, तो फिर क्या यही जो आपके साथ में हुआ था, राइट, कि ट्यूशन से निकाल दिया, सेल्फ स्टडी? इज दैट समथिंग जो आपके जहन में था कि अपने को भी आगे जाके प्रोफेसरशिप ही करनी है? तब एक्चुअली दिमाग में नहीं था कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है, लेकिन जब मैं प्रोफेसर एक्चुअली जब टीचिंग फील्ड में आया, हाँ, तो अब मैंने मेरा प्रिंसिपल रखा है कि मेरे पास से कोई लड़का फीस के कारण मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अगर कोई रीजन होता है तो इट्स ओके, बट फीस के लिए मेरे पास से कोई भी स्टूडेंट घर पे वापस नहीं जाए। जो आपके ऊपर आप बीती हुई थी वो किसी ऊपर ना हो, कि आपका मन, क्योंकि क्या है ना, सबके घर की अलग अलग कंडीशंस होती है, फाइनेंशियल सबके घर पे प्रॉब्लम होता है, राइट, तो वो समझना चाहिए। ओके, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो ये तो आपका कॉलेज वाला हो गया, राइट। आपका कुछ बचपन के कुछ कहानी है आपकी, गुड मोटिवेशन कहानी, या फिर जहाँ पे आपने कुछ शरारती की हो जिस वजह से आपको कुछ किससे डांट पड़ी हो या फिर किसी से शाबाशी मिली हो, ऐसा कुछ? शाबाशी एक्चुअली खेलना कूदना तो सबको ही अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना, रनिंग मुझे अच्छा लगता था। साथ में एक दो इंसिडेंट्स आपको मैं बताता हूँ। जब स्कूल छूटती थी, हाँ, तो मेरे जो दोस्त थे उनके पेरेंट्स उनको लेने आते थे, बराबर, तो उनके पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम 2-व्हीलर 4-व्हीलर से उनको लेने आते थे स्कूल छूटने के बाद। तो उनको देख के कहीं तो भी ऐसा लगता था कि शायद मेरे भी पापा गाड़ी लेके कभी आए, मुझे बैठाए गाड़ी पे और घर पे लेके जाए, मेरी मम्मी कभी गाड़ी से आए, ऐसा लगता था, लेकिन पॉसिबल नहीं था, वो कभी हुआ नहीं ऐसा। बट जब हम बड़े हुए तो मैंने ही व्हीकल परचेज किया, तो ठीक है हम मम्मी पापा की गाड़ी पे नहीं बैठ पाए लेकिन उनको तो हम खुद बैठा के घुमा के लेके आए। अच्छा, हाँ, वो एक अच्छी बात है जो प्राउड फील करवाती है। अच्छा, प्लस कोई मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको मतलब थी कि हाँ ये जो है इसके साथ? हाँ, एक बारे में है, एक्चुअली मेरा एक दोस्त था जब मैं 11-12 में कोचिंग करता था,
तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है ना, हाँ, तो कंस्ट्रक्शन करते समय जो वहाँ पे एक झोपड़ी बनवाते थे उसमें एक्चुअली वॉचमैन जैसे जो वॉचमैन रहते हैं ना, तो उसकी फैमिली उस कंस्ट्रक्शन जो था शुरू उस बिल्डिंग का वॉचमैन एज ए वॉचमैन उसके पापा ध्यान रखते थे उस जो सीमेंट की बोरिया रहती है, रेती होती है, गिट्टी होती है, लोहा होता है, उस पर ध्यान रखने के लिए उसके पापा मम्मी और वो तीनों वहाँ पे रहते थे। तो मुझे ये सब पता ही नहीं था, मुझे ऐसा लगता था उसको देख के कि भाई ये ठीक ठाक होगा घर से। अच्छा। तो एक दिन कुछ बुक्स या नोट्स लेने के लिए मैं उसके घर पे गया, उसने बोला कि यही मैं वो मुझे अंदर लेके गया। जैसे मैं उसके वो झोपड़ी के अंदर जाता हूँ तो उसकी मम्मी वहाँ पे खाना बना रही है और बाजू में उसके बस विद इन अ फिट, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था, और वहाँ पे सीमेंट की बोरियाँ रखी है पूरी। ओके। और अंदर लोहा रखा है, एक साइड में कुछ वो फर्नीचर के कटे हुए लाकुट रखे हैं। वो तो उसकी वो सिचुएशन देख के आपको लगा कि हाँ, वो आपको मोटिवेट किया। देख के मुझे ऐसा लगा कि यार इसका तो कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, इसका तो कंडीशन मेरे से भी खराब है। करेक्ट। इसके बाद भी इसके अंदर जिद है वो पढ़ने की, इसके बाद भी वो रेगुलर ट्यूशन कर रहा है, रेगुलर स्टडी कर रहा है, हर टेस्ट में अच्छा स्कोर ला रहा है, फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। करेक्ट। तो उसको देख के मुझे कहीं तो फील हुआ यार इससे तो बेटर मैं हूँ, फिर मैं क्यों पीछे हट रहा हूँ, फिर मैं कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वो फील हुआ। करेक्ट। और उसको देख के फिर और थोड़ा जिद्दी से और ज्यादा एफर्ट्स लेके हमने स्टडी की। जो एक्स्ट्रा मैथ था वो आपका फ्रेंड था, आपने दिया। हाँ, ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन उसका भी मेरे से ज्यादा बुरा था। Okay. तो उसको देख के मुझे लगा यार इससे तो कहीं बेटर मैं हूँ, मेरे पास घर का घर तो है रहने के लिए खुद का। राइट। और हम जब आपके बारे में इंफॉर्मेशन कर रहे थे तब हमको पता लगा कि आपको बचपन में एक बुलेट और दूसरी वाइट एम्बेसडर, ये कार का कुछ फैसिनेशन था, उसका क्या? एक्चुअली क्या है ना, जब बचपन में हमको पता नहीं होता है, मुझे जब मूवीज वगैरह देखता था या फिर जैसे रोड से जाते हुए किसी पुलिस इंस्पेक्टर को देखता था तो मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब ऐसा लगता था कि बुलेट सिर्फ पुलिस वालों के पास ही होती है। अच्छा। मतलब पता नहीं था कि बुलेट कोई भी खरीद सकता है, तो पहले ऐसा लगता था कि बुलेट सिर्फ पुलिस वाले ही चलाते हैं। और जैसे फिर थोड़े बड़े हुए फिर जो वाइट एम्बेसिडर होती या फिर जो गवर्नमेंट के लोग होते जनरली सिविल सर्विस वाले, उनके पास वाइट एम्बेसिडर रहते हैं, उसके ऊपर लाइट लगता है। हाँ, लाइट लाल बत्ती वाला, लाल बत्ती वाला। तो वो देख के मुझे ऐसा थोड़ा लगता था कि आपको वो अगर चाहिए तो आपको वो बनना पड़ेगा, जैसे पुलिस बनना पड़ेगा तभी जब आप बुलेट चला सकते हो। तो फिर जब बड़ा हुआ तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो जब हमको पता चला कि बुलेट कोई भी परचेज कर सकता है, तो मेरा एम था, मैंने एम रखा था लाइफ में कि मुझे पुलिस बनना है, लेकिन फिर जैसे पता चला कि वाइट एम्बेसिडर भी ले सकते हैं हम, तो उसके लिए वो ऑफिसर बनना पड़ेगा, तो फिर वो एम रखा। Okay. तो मैंने जब ग्रेजुएशन में था तो एमपीएससी का स्टडी शुरू कर दिया था, लेकिन घर पे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वो स्टडी के लिए उतना समय नहीं दे पाता था। Right. क्या है ना, उस जो पोजीशन है उसका एक होता है, उसके लिए उतना स्टडी चाहिए। Correct. उतना स्टडी के लिए उतना समय भी चाहिए, तो मैं वो नहीं दे सकता था क्योंकि मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया था। मैं एक रिस्पेक्टेड टीचर थे, उनको एज असिस्ट करता था, तो उस समय मेरा एम था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन मैं पॉसिबल नहीं हो पाया। पुलिस बनना था वो भी पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने पैसे जमा करके सबसे पहले बुलेट परचेस किया। बुलेट सबसे पहले बुलेट ही लिया क्योंकि मुझे एम था। ओके। नहीं पुलिस तो ना से, एटलीस्ट बुलेट चला, फील तो आता है वो पुलिस वाला। अच्छा। ओके। तो और बीच में जैसे हम बातें कर रहे थे तो आपने बोला कि आपका फिनेंशियल कंडीशन वैसा नहीं था, राइट? और मैंने भी थोड़ा सा निकाला कि आपके कुछ सालों पहले आपके पापा का जो शॉप था, ओके, वो बंद हो गया। हाँ। ओके। और फिर मम्मी ने उस वजह से फिर टिफिन का सर्विस शुरू किया, तो ये आपको कितना मतलब एक एक्चुअली क्या था, जब मैं 2011-12 की बात है, तब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो फर्स्ट ईयर में पापा का जो शॉप था वो एक्चुअली उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, जो ओनर थे उन्होंने, तो पापा का दुकान वहाँ से खाली करना पड़ा था। Okay. तो एक दिन ऐसे घर पे था तो पापा मशीन वगैरह सब लेके, पापा टेलरिंग वर्क करते थे, तो मशीन वगैरह लेके घर पे आ गए। Okay. 2012 की बात होंगी वो, तो घर पे आने के बाद पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, मैं बैठा था, मेरा भाई बैठा था, हम सब शांत थे क्योंकि आगे कैसे होगा, क्योंकि बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था और जो भी पैसे आते थे, जो भी रिसोर्स था पैसे आने का, वो वही था, तो वो बंद हो गया था।
पापा बोले अभी मैं देखता, बोले कि दुकान भाड़े से अगर मिलता है कहीं तो देखता हूँ। लेकिन भाड़े से आज के डेट में दुकान अगर देखना है तो नियर अबाउट 2012 में भी 4000 नियर अबाउट रेंट था, 4 से 5 हज़ार रुपये तो भाड़ा होगा ही, तो उतनी तो कमी भी नहीं थी महीने की कि जितना भाड़ा दे सकते, हाँ तो वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर मम्मी ने टिफिन बनाना शुरू कर दिया, साथ में जो मेरा 4 रूम का घर था, 4 में से हमने 3 रूम रेंट से दे दी। ओके हाँ, हम एक ही रूम में रहते थे चारों, 3 रूम रेंट से दे दी। मम्मी खाना बनाती थी, टिफिन पहुँचाती थी, पापा का भी काम घर से शुरू था। तो 2014 से लेके नियर अबाउट 12 से 14-15 तक थोड़ा काफ़ी स्ट्रगल वाला समय गया। मतलब बीच में ऐसे भी दिन देखे कि जिस दिन नेक्स्ट डे अगर गेहूँ लाना है तो गेहूँ लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ओके तो मम्मी जो गुल्लक में कुछ जमा करते थे तो वो हम फोड़ के उसमें से फिर पैसे निकाल के। आपके बारे में सर्च कर रहे थे तब पता चला कि आपके पिताजी का राइट जो शॉप है वो सडनली बंद हो गया, तो उसका फिर मतलब क्या रिपोर्टेशन थे आपके ऊपर? एक्चुअली क्या हुआ था, 2012 की बात है, जब मैं फर्स्ट ईयर जस्ट खत्म होने पे ही आया था, तो पापा का जो शॉप था, एक्चुअली जो ओनर थे वो घर उनका कंस्ट्रक्शन करने वाले थे, तो पापा को दुकान छोड़नी पड़ी थी। ओके तो एक दिन ऐसे ही पापा ने मशीन वगैरह, पापा टेलरिंग वर्क करते थे, कपड़े सिलाते थे, तो एक दिन पापा ने सब मशीन रिक्शा पे डाल के घर पे लेके आए। ओके तो घर पे लेके आने के बाद हम घर पे थे, हम देख रहे थे मशीन वगैरह घर पे रखी थी हम, उस दिन सब शाम बैठे थे, मैं मम्मी मेरे दो मतलब मेरा भाई मैं, कि आगे कैसे करना है, क्योंकि जो मेन सोर्स था मनी का तो वो शॉप ही था, बंद हो गया जो बंद हो गया था। तो घर पे आने के बाद हम सोच रहे थे फिर अभी आगे क्या करना है, कैसे करना। तो मम्मी ने डिसाइड किया कि अभी हम घर पे ही जैसे कुछ रेंट से दे सकते हैं घर, तो 4 रूम का घर था, 4 में से 3 रूम रेंट से दे दिए और 1 रूम में हम सब रहते थे 4 जन प्लस। फिर मम्मी ने जो रूम रेंट से दिए थे कुछ स्टूडेंट्स को रेंट से दिया था, तो उनको टिफिन देने का काम, उनको बाहर वाले कुछ स्टूडेंट मिल गए उनको, तो घर से टिफिन का काम मम्मी करते थे मेस एज अ मेस लाइक। और पापा का भी दुकान फिर घर से ही चालू था, पहले सोचा था कि बाहर दुकान रेंट से लेना और वहाँ से काम करना, लेकिन क्या है ना आज के डेट में रेंट काफ़ी अफोर्डेबल नहीं था, वो पॉसिबल नहीं था। जितना पापा की कमाई थी मंथली उससे ज़्यादा तो रेंट ही रहता था। ओके मतलब जो 3-4 हज़ार पापा में भी कमाते थे 2012-13 में, तो उससे ज़्यादा तो रेंट ही था, मतलब 4000 रेंट ही था। तो फिर पापा ने घर से ही दुकान चालू रखा प्लस 3 रूम रेंट से दे दिए वगैरह। तो वो सब देख के कहीं तो भी ऐसा लगता था कि यार मैं भी अभी बड़ा हो चुका हूँ, मैं भी अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही सडन मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गया, मैं हमारे जो एरिया के रिस्पेक्टेड टीचर है उनको असिस्ट करता था। ओके हाँ, एज असिस्टेंट मैं वहाँ पे जॉब किया, 4 साल मैंने जॉब किया। वहीं से फिर मुझे कुछ बच्चे मिले जिनको कोचिंग चाहिए था, एज अ होम ट्यूटर मैं उनके घर पर जाने लगा, उनको घर जाके मैं पढ़ाता था। पहले शुरुआत में 2 साल वही किया, तो वहाँ से थोड़ा डेरिंग आया। फिर वही स्टूडेंट जब 12th में गए तो उनको ट्यूशंस देना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मतलब बोलना है कि शुरुआत में 2 या 3 स्टूडेंट थे, तो आज वहाँ से विद इन दिस 5 or 6 years 150 क्रॉस हो रहा है अभी। 150 तुम्हारा स्टूडेंट है, 13 ईयर अबाउट स्टूडेंट है पर बैच पर ईयर? हाँ पर ईयर। ओके तो जैसे कि आपने अभी अपनी स्टोरी बताया राइट, तो हम हमेशा बोलते हैं कि हिस्ट्री इज अ बेस्ट टीचर। यस और वैसे नेल्सन मंडेला ने कहा है कि द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। तो ये जो पर्टिकुलर कोट है राइट, इससे अगर वापस ऐसा कभी आपके साथ में फ्यूचर में होता है राइट, जैसे कि आपके पापा के साथ में हुआ था, तो आपकी क्या थिंकिंग है कि आप इसको कैसे ओवरकम करेंगे या फिर कैसे इसको फेस करोगे? फ्यूचर इज अनसर्टेन राइट, हम कुछ बोल नहीं सकते कब क्या होने वाला है। अभी जब कोरोना का टाइम आया था कोविड का, तो इस पेंडेमिक टाइम में मैक्सिमम लोगों के जो जॉब थे वो छूट गए थे, मैक्सिमम सबका फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी वीक हो गया था। तो मैंने देखा है न्यूज़ में या व्हाट्सएप पे आपको आता था कि मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों को हेल्प करते थे जैसे भी पॉसिबल है, जैसे किसी को कुछ खाना प्रोवाइड करना, कहीं पे जाके कुछ प्रोवाइड करना, वो सब लोग करते थे। तो वो देख के मुझे भी लगता था कि मैं भी किसी को मदद कर सकूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, मैं भी किसी को मदद नहीं कर पाया। फिर मैंने जो मेरे पास के स्टूडेंट थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको ही फाइनेंशियली थोड़ा छूट दिया जाए।
तो उनको मैंने नियर अबाउट हर स्टूडेंट का 5 to 6,000 रुपीज मैंने कम कर दिया। तो ये आपने अक्रॉस सबको कम किया या सबको जो सबको ऐसा मैंने सोचा नहीं कि इसका फाइनेंशियल अच्छा है तो इसके पास से ले लो, नहीं नहीं मैंने सबका कम किया। जो भी स्टूडेंट थे मेरे पास नियर अबाउट 150 सबका मैंने 5,000-6,000 जैसे पॉसिबल होगा मैंने सबका कम किया। एक्चुअली मुझे वो हेल्प करना था कि उनका 5,000 यहाँ पर बचेगा तो वो कहीं और काम में आ जाएगा। ओके प्लस हिस्ट्री आपने जो यूज किया काफी अच्छा पॉइंट है वो, तो मेरे जो आइडियल है मैं जिनको रीड करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, एक भगवान श्री राम है और दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो जब पुरंदर का तह हुआ था तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 23 किले उनको देना पड़ा था उस तह में, 23 फोर्ट उनको देना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रिकवर किया उसके बाद तो सबको पता ही है कि जो हिस्ट्री आज हम पढ़ते हैं वो बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। तो ये सब चीज़ें जो हुई है हिस्ट्री में वो मोटिवेट करती है कहीं तो भी कि अगर अपने लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है जिससे हम नीचे गिर जाते हैं तो और बाउंस बैक करने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ है जो ये जो बड़े लोग कर चुके हैं पहले, उनसे प्रेरणा लेके उनसे प्रेरणा लेके हम कर सकते हैं। और ऐसा होप सो कि नहीं हो तो बेटर होगा। तो थैंक यू सो मच अंकुश। ओके आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज जस्ट एन हेल्प फ्रॉम माई साइड टू गेट मोटिवेटेड एंड प्लीज चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कोप स्टोन।